गुड आफ्टरनून क्लास, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 3। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं फ्लावर्स के बारे में। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बुक का पेज देखना सकते हैं। स्क्रीन पे स्क्रिबल नहीं करना है, ओके? Okay? ओके, ये पेज सबको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो ऐसे करोगे थम्स अप। ओके, तो ये हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर, क्या बोलोगे? फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट जनरली हैज अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, इसका क्या कैसा फ्रेग्रेंस होता है? स्वीट फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है, स्मेल इसका बहुत अच्छा होता है। ओके, और क्या पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल मोतिया एंड चमेली, सम ऑफ सच फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, इसमें से मोतिया और चमेली क्या है, उसका बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड, फ्लावर कहाँ से डेवलप होता है? बर्ड से होता है, ठीक है। ये सारे फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताए थे, क्या क्या बताए थे? अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड, फ्लावर्स हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और क्या बोले थे? फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, फ्लावर इज अ कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़े थे अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम लोग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रूट्स में क्या दिया हुआ है देखो, वी हैव ऑलरेडी रीड द फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फ्लावर्स ही फ्रूट को बनाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। फ्रूट यूजुअली स्टोर्स, फ्रूट के अंदर क्या रहता है? फ्रूट के अंदर हम लोग का क्या रहता है? सीड्स रहता है। We eat fruit because they give nutrition to our body. हम लोग फ्रूट क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोगों को फ्रूट न्यूट्रिशन देता है, ठीक है।
जनरली फ्रूट्स जनरली हैव सीड्स व्हिच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स में कुछ सीड्स रहता है जो न्यू प्लांट बना सकता है, ठीक है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो पीच एंड पम, कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होता है जिसका नाम है मैंगो पीच पम, हैव ओनली वन सीड्स। कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसका ओनली वन सीड ही होता है। तो वन सीड्स वाले फ्रूट कौन सा होता है? वन सीड्स फ्रूट्स क्या क्या होगा? वन सीड वाले फ्रूट एक हो जाएगा मैंगो, मैंगो का सिर्फ एक ही सीड रहता है, मैंगो हो गया। और क्या? पीच, पीच का भी वन सीड ही रहता है। और क्या रहता है? पम, ठीक है, वो उसका भी क्या रहता है? एक ही सीड रहता है। तो ये सब याद रखना होगा कि वन सीड फ्रूट्स किसको बोला जाता है? फ्रूट्स, तो मैंगो पीच पम एंड सम अदर फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स। बहुत सारे फ्रूट्स का बहुत सारे सीड्स होता है, तो उसका क्या क्या नाम लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे मेनी कर देते हैं, मेनी सीड्स फ्रूट्स, उसका क्या क्या नाम हो जाएगा बताओ? ऑरेंज, ऑरेंज का बहुत सारा फ्रूट सीड्स रहता है, पपाया, ठीक है। फिर ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, वाटर मेलन, वाटर मेलन का भी क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होता है। तो ये सारी याद रखोगे, ऑरेंज पपाया वाटर मेलन और लेमन भी हो सकता है, लेमन का भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, तीन चार तो होता ही है, ठीक है। हाँ, एप्पल का भी होता है, ठीक। सम वैरायटीज ऑफ बनानास grapes and papayas do not have any seeds in their fruits। कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होता है जिसमें कोई भी सीड्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीडलेस फ्रूट्स, उसको क्या बोलेंगे? बिना सीड का फ्रूट, तो क्या लिखेंगे? सीडलेस फ्रूट्स का क्या नाम है बताओ? सीडलेस फ्रूट्स का क्या नाम है? एक हो गया ग्रेप्स, ग्रेप्स में कोई सीड नहीं रहता, और एक क्या हो जाएगा? बनाना, ठीक है। ग्रेप्स, बनाना एंड कुछ कुछ होता है कि पपाया, उसमें क्या होता है? सीड्स अच्छे से नहीं होता है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है फिर ठीक से? हाँ, नेहा कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ, बता दो, मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज क्लियर है? वंदना अनम्यूट योरसेल्फ, मेरा क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो। वॉइस यस मैम, आ रहा है ठीक से आवाज? यस मैम। ओके, तो जिसका प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो एक बार और फिर से लॉग इन करे, फिर से लॉग इन करो, आ जाएगा वॉइस। ओके मैम। हाँ, तो क्या हम बोल रहे थे? फ्रूट्स जनरली हैव अ सीड्स, फ्रूट्स के पास क्या रहता है? जनरली सीड्स रहता है। ठीक है, और क्या होता है? उसी से न्यू प्लांट्स भी हो सकता है, बन सकता है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फ्रूट्स जनरली हैव अ सीड्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जिससे न्यू प्लांट बनता है। मैंगो के अंदर देखियो ना,
एक बड़ा सा सीड्स रहता है, उसको अगर तुम सॉइल में लगाओगे तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। फिर देखो, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट मिलता है, ठीक है। डिफरेंट सीजन में हम लोग को डिफरेंट फ्रूट मिलता है, उस फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजंस आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट इज सीजनल फ्रूट्स, तो तुम लोग क्या बोलोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, दे आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। अब तुम लोग हमको बताओगे कि समर सीजन में कैसा फ्रूट, क्या क्या फ्रूट्स मिलता है। इन समर सीजन हम लोग को क्या क्या फ्रूट्स मिलेगा, समर सीजन में अभी समर चल रहा है तो क्या क्या फ्रूट मिलता है। पहले ही मैंगो मिलता है, वाटर मेलन मिलेगा, मस्क मेलन मिलता है, फिर कुछ दिन बाद देखोगे लीची मिलेगा, जामुन मिलेगा, ठीक है। तो समर सीजन फ्रूट्स क्या क्या हो जाएगा, समर सीजन फ्रूट्स क्या क्या हो जाएगा, इन समर करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इन या समर लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या मिल जाएगा, मैंगो, ठीक है, और वाटरमेलन, और क्या मिलता है बोलो, मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची, जामुन। यहाँ पे इतना सारा नहीं लिख रहे, दो ही लिखे हैं। नेक्स्ट, इन विंटर, इन विंटर्स वी गेट ग्रेप्स। विंटर सीजन में हम लोग कैसा क्या मिलता है, ग्रेप्स मिलता है, एप्पल्स मिलता है, अभी एप्पल तो पूरे सीजन में मिलता रहता है, ऑरेंज मिलता है, इंडियन गूसबेरी, गूसबेरी मतलब आंवला। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। तो ये सारे जो सीजन, पर्टिकुलर सीजन में एक फ्रूट्स मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर सम फ्रूट्स लाइक अ कैश्यू नट। कैश्यू नट एक ऐसा फ्रूट्स है जो ड्राई फ्रूट्स होता है, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट टाइप का होता है, एंड आमंड्स, वॉलनट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। व्हिच आर फर्स्ट ड्राइड, ये सारे फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्राई करते हैं एंड देन यूज्ड, फिर कंज्यूम करते हैं, फिर खाते हैं, ठीक है। दिस ड्राई फ्रूट्स आर ऑफन ईटन एज सच, ये ड्राई फ्रूट्स हम लोग ऐसे ही खाते हैं, कुक करके नहीं खाते, ठीक है। तो अगर तुम लोगों से पूछा जाएगा कि नेम सम ड्राई फ्रूट्स, तो तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो, कैश्यू नट्स, आमंड्स एंड वॉलनट्स, ये अंडरलाइन कर सकते हो ये सारे नट्स का नाम। इसको पहले क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर हम लोग खा सकते हैं। दीज ड्राई फ्रूट्स आर ऑफन ईटन एज सच, दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेस दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कुछ कुछ डिश ऐसे बनता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनता है, खीर बनता है, कुछ खीर बनता है ड्राई फ्रूट्स का। नेक्स्ट है आइसक्रीम भी ड्राई फ्रूट्स में दिया, सॉरी, आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है। तो ये सारी चीज ड्राई फ्रूट्स, मतलब कोई भी डिश अगर बनाएंगे तो उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट्स, आमंड्स एंड वॉलनट्स, विच आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन यूज्ड, दे आर ऑल्सो यूज, ये पूछा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स का यूजेस क्या है, तो दे आर यूज इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेस, बहुत सारी डिशेस बनाने के काम में आता है, एंड वी कैन ईट, ऑफन ईटन एज सच, हम लोग ये ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, बीटर गोर्ड मतलब करेला, ठीक है, करेला बहुत कड़वा होता है, ठीक है। जैक फ्रूट, ब्रिंजल, ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल्स। अगर तुम लोगों को बोला जाए कि टोमेटो एक फल है, फ्रूट्स है, तो तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैम ये तो वेजिटेबल्स है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड्स रहता है। देखोगे यहाँ पे कितने सारे सीड्स रहता है, ब्रिंजल को भी काटोगे तो उसके अंदर भी सीड्स होता है,
भिंडी को भी काटोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे व्हाइट कलर का सीड्स रहता है। मतलब क्या है, ये सारे फ्रूट्स ही है, लेकिन हम लोग इसको एज अ वेजिटेबल खाते हैं क्योंकि इसको कच्चा नहीं खा सकते। टमाटर टोमेटो को खा सकते हैं सलाद में, लेकिन ब्रिंजल और भिंडी को हम लोग ऐसे ही कच्चा नहीं खा सकते, ठीक है? तो इसीलिए इसको एज अ वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, ठीक है? याद रहेगा। तो क्या क्या एज अ वेजिटेबल यूज होता है? जैक फ्रूट, ब्रिंजल, ओकरा एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ठीक है? नेक्स्ट है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग पिकल्स। ये सारे जो फ्रूट्स है, देखोगे गर्मी के दिनों में हम लोग तो क्या करते हैं, मैंगो का कच्चा मैंगो का अचार बनाते हैं, बनाते हैं ना घर पे, सब देखोगे बनाते हैं ये गर्मी में। और स्ट्रॉबेरीज का भी क्या बनता है, पिकल्स बनता है और नहीं तो चटनी बनता है। और क्या है, लेमन का, ये सारी चीजों का क्या बनता है, चटनी भी बनता है, पिकल्स भी बनता है, ठीक है? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा? डू यू नो में थोड़ा देख लेना, डू यू नो में देखो, जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। जैक फ्रूट एक ऐसा फल है जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फल है, ठीक है? जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। तो जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, तो ये तो याद रखना। फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। फ्रूट्स हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि फ्रूट से ही हम लोगों को, बाद में तुम लोग पढ़ोगे, फ्रूट में ही विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है। विटामिन मिनरल्स हम लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल से ही मिलता है, इसीलिए हर दिन एक फ्रूट का खाना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, तभी हम लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है? और इधर एक डू यू नो था, बनाना हैज नो सीड्स। बनाना का कोई सीड्स नहीं रहता, तो बनाना का सीड नहीं रहता तो हम लोग दूसरा प्लांट उसको उससे कैसे बनाते हैं? हम लोग तो सीड लगा के ही दूसरा न्यू प्लांट बनाते हैं, तो बनाना का कोई सीड्स ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? इट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स स्टेम। बनाना का अगर और कोई एक प्लांट हमको चाहिए तो क्या करेंगे, बनाना को प्लांट को काटेंगे और दूसरे जगह पे सॉइल में लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बनाना ट्री हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक सबको समझ में आया? हम अनम्यूट करते, बताओ, बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सब यस कुछ मैम, यस ओके, मैम, मैं समझ में ओके, आ गया सब कुछ। यस एवरीबॉडी मैम, मैम का क्या प्रॉब्लम है, क्यों हैंड रेस क्यों हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम और एक बार फ्लावर्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है? सीजनल फ्लावर्स के बारे में उस दिन हम बताए थे। सीजनल फ्लावर्स क्या होता है, जैसे हम सीजनल फ्रूट्स बताए वैसे ही सीजनल फ्लावर्स भी होता है। तो सीजनल फ्लावर्स क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होता है। These flowers are called seasonal flowers. ये सारे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल फ्लावर्स। जैसे चमेली, चमेली क्या है, एक सीजनल फ्लावर्स है। किस टाइम होता है, समर सीजन में। देखो तुम लोगों बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन समर यू मस्ट हैव सीन चमेली मुखिया सदाबहार। तो तुम लोग गर्मी के दिनों में क्या देखोगे, गर्मी के दिनों में ज्यादातर देखोगे व्हाइट कलर का फ्लावर ब्लूम होता है। तो चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज एंड लिली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन गार्डन। इन विंटर डालिया, रोज, क्रिस्टमम आर सम ऑफ द कॉमनली सीन फ्लावर्स। डालिया और रोज तो हम लोगों को विंटर सीजन में बहुत दिखता है, ठीक है? कलर, बहुत सारे कलरफुल डालिया देखोगे खिला हुआ है विंटर सीजन में।
और यहाँ पे डू यू नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बोले थे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है और लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या था, उल्फिया ग्लोबोसा इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर. और सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, रफलेशिया. रफलेशिया उसका कॉमन नेम है लेकिन साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ है, रफलेशिया अर्नाल्डी. तो तुम लोग से रफलेशिया भी लिखोगे तब भी ठीक है. तो रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. रफलेशिया क्या है, सबसे सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है. अब है यूजेस ऑफ फ्लावर्स. हम बताए थे कि सम फ्लावर्स हैव अ वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस. कुछ कुछ फ्लावर्स का बहुत अच्छा स्मेल होता है. दीज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम. अगर तुमसे पूछा जाए कि राइट सम राइट यूजेस ऑफ फ्लावर्स, तो क्या बोलोगे कि फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. तो परफ्यूम किस किस फ्लावर से बनता है, रोज और जैस्मीन. रोज जैस्मीन ये सबसे क्या बनता है, लैवेंडर ये सबसे क्या बनता है, परफ्यूम बनता है. सम फ्लावर्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल. कुछ कुछ फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल खाया जाता है, जैसे कचनार, बनाना, सहजन, ये सारे वेजिटेबल्स एज अ वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं. स्काई से प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा. मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम आ रहा है तेजस का. ओके, तो सम फ्लावर्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल लाइक बनाना, कचनार. ये नाम याद रखोगे, या तो कचनार बनाना या तो साजन बनाना, ये आता ही आता है एग्जाम में. ठीक है, यहाँ पे क्या बोले थे कि सम फ्लावर आर यूज एज अ मेडिसिन. कुछ कुछ फ्लावर एज अ मेडिसिन यूज होता है, जैसे क्लोव्स. क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर. क्लोव क्या है, लौंग. लौंग तो सबके घर में होगा, तो लौंग को देखोगे तो कैसे लगेगा कि एक ड्राइड फ्लावर है. वो एक ड्राइड फ्लावर का बड है, छोटा सा एक कोढ़ी है. ठीक है, सिमिलरली लोशन मेड फ्रॉम आर्निका फ्लावर. आर्निका से एक लोशन मिलता है, वो लगाने से क्या होता है, कोई भी इंजुरीज हो, कहीं पे बहुत जोर से धक्का लग गया तो ब्लैक हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ब्लड, वहां पे लगाओगे तो दर्द कम हो जाएगा. तो आर्निका एक लोशन है और वो एक फ्लावर से बनता है. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स. फ्लावर से क्या बनता है, कॉस्मेटिक्स बनता है. फ्लावर्स आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस. हम लोग फ्लावर को डेकोरेशन पर्पसेस यूज करते हैं. ठीक है, या किसी का बर्थडे हो, किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो, तो हम लोग फ्लावर्स को डेकोरेशन के काम में यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी बोलना हम भूल गए थे, पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन. श्रेयस दिख रहा है ना पेज, ऐसे दिखाओ थम्स अप. वैसे भी तो दिख रहा है ये पेज. ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है देखो कि आस्क योर मदर वेदर सी यूजेस फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल. तो यहाँ पे अभी हम क्या क्या बताएं, वैष्णवी अनम्यूट योर सेल्फ, बताओ कौन सा फ्लावर हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं. अनम्यूट करो, फिर से अनम्यूट करो वैष्णवी, फिर से अनम्यूट करो. हाँ बताओ कौन सा फ्लावर एज अ वेजिटेबल खाते हैं, बताओ. बोलो, फिर म्यूट हो गई हो, अनम्यूट करो. हाँ बोलो मैम. बनाना, मेथी. बनाना और एक नहीं, फिर तुम्हारा म्यूट हो गया. श्रेयस बताओ, श्रेयस अनम्यूट योर सेल्फ. हाँ बोलो. और कुछ हवा तो नहीं
कौन सा फ्लावर एज अ वेजिटेबल खाते हैं? एक बार से भी फ्लावर बताइए। बनाना, तुम बताओ। अरे फ्लावर वो क्या क्या बोल रहे थे ना, होटल पास मैम, में कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। हाँ कॉलीफ्लावर भी होगा। नेक्स्ट हमको बताओ, आर्यन कुमार। हाँ बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो पहले, बोलो। मैम मेरे को चाहिए लेवेंडर। लैवेंडर? लैवेंडर नहीं, मैम मेन आवाज नहीं क्लियर आ रहा तुम्हारा। वंदना, वंदना बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। वंदना मेहंदी। हाँ बोलो। मेहंदी और एक बार हम बता देते, देखो म्यूट योर सेल्फ एवरीबॉडी। एक हो जाएगा बनाना, कचनार, सहजन, कॉलीफ्लावर। ये सारे फ्लावर्स तुम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हो, याद करके देखना ठीक है, या मम्मी से पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट डाउन अ फ्यू प्लेसेस वेर यू हैव सीन फ्लावर्स यूज एज अ डेकोरेटिव मटेरियल। एक कोई कोई ऐसा जगह बताओ जहां पे फ्लावर से डेकोरेट किया रहता है। कौन बोलोगे? रेज योर हैंड। कुछ ऐसा जगह बताओ। हाँ स्नेहा कुमारी बोलो, अनम्यूट योर सेल्फ। स्नेहा बताओ फिर से, और एक बार रिपीट योर आंसर। मैम शादी। शादी, वेरी गुड। नेक्स्ट पीहू बताओ, पीहू अनम्यूट योरसेल्फ। स्कूल। हाँ स्कूल में होता है, कुछ फंक्शन होता है तब, वेरी गुड। और एक होता है टेंपल में, टेंपल में फ्लावर से सजा हुआ रहता है, मंदिरों में। और एक क्या होगा, और कौन बताओगे? मयंक, मयंक अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो। और कौन? मंदिर और हाउस। हाउस। हाँ घर में भी होता है कोई फंक्शन तो, वेरी मैम म्यूट। पार्क। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स अवेलेबल विथ फ्लोर फ्लरिस्ट। फ्लरिस्ट मतलब फूलों की दुकान में जाओगे तो कौन सा दो फ्लावर अवेलेबल रहता है, क्या क्या फ्लावर रहता है? एक तो रोज रहता है, एक रहता है मेरीगोल्ड। ये दोनों फ्लावर देखोगे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये नेम एनी टू टाइप्स ऑफ फ्लावर विच रिमेन इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द ईयर। हर मतलब पूरे ईयर में उसका बहुत डिमांड रहता है। तो एक तो रोज का रहता है, एक मेरीगोल्ड का रहता है, ये भी लिख सकते हो। तो ये वाला तुम लोग कंप्लीट करना, ये एक्टिविटी हम कुछ कुछ बता दिए, बाकी जो बच गया है इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। और एक चीज, अच्छा इसको कंप्लीट करना फिर। तो तुम लोग क्या क्या पढ़े बोलो, कोई हमको बताओ। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर? तेजस बताओ, अनम्यूट योर सेल्फ। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर? हमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे चैप्टर 3 का, और जो हम पढ़ाए हैं कीवर्ड पढ़ के आओगे। रिमेम्बर द कीवर्ड्स, ठीक है, याद रहेगा। ओके क्लास, देन बाय बाय।